मदन पाल जी, क्या मामला आपके घर में पानी भरा हुआ है? अजी पानी क्या बाढ़ हड़ताल क्या हुआ, यहाँ खाने के नहीं पीने के, भाई ऐसे ही हड़ताल की पानी होता रहे, यहाँ बच्चे बिल्कुल परेशान हैं, अपना खाना पीना बेकार ऐसे ही रहे जी एकदम बात, और यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं ऐसी जो कि मतलब अपना बच्चे की जान बचा कर ले जाए, अब क्या यहाँ तो ऐसे ही रहे बस एकदम बात। प्रशासन द्वारा कुछ अजी कुछ नहीं, प्रशासन क्या प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ जी, अभी आपको सूचित नहीं किया गया यहाँ पे? अजी नहीं कुछ नहीं हुआ यहाँ जी, आप देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, यहाँ हर साल कैसे ही रहे यहाँ, यहाँ तो बच्चे ज़रा ज़रा से ही बच्चे परेशान है, अब बताओ आप कहाँ जाओ खाने के ना पीने के। तो जैसे 2013 में आपदा आई थी, क्या ऐसा अजी 2000 उसमें आई थी आपदा, वह भी जब भी ऐसा ही था, जब भी कुछ नहीं होया यहाँ जी, अब क्या कुछ वो थोड़ा ही है, हाँ अब देख लो आप देख ले ये पानी भर रहा है, कह रही बालक उलक सब परेशान रहे हम परेशान रोड भी, अरे भाई खाना पीना कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ऐसी परेशानी आ रही है आपके घरों में पानी भरा है? हाँ जी पानी भर रहा जी, आप देख लो क्या रही खाने पीने की चीज़ें कोई ऐसी चीज़ खराब हुई है? हाँ जी सब गेहूँ भी भीज गए, अनाज भी भीज गए, सेहरा चावल उबल रखे थे वे भी भीज गए सब, बहुत परेशानी आ रही है। तो पशु के लिए चारे की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हो? हाँ जी बस बिरान ही होंगे सब, डंगर ढोर भी खाने के ना पीने के, काट रोली भी वहाँ पड़ी सड़क पर। सर यहाँ पे जो सुंदरगढ़ तेरे में बाढ़ आई थी उससे भी ज़्यादा अधिक पानी यहाँ पे, यहाँ पे जो बच्चों स्कूल उस्कूल खुले हुए हैं यहाँ से बच्चों की बहुत ज़्यादा जाने में दिक्कत आ रही है, और जितनी भी गंदगी फैल रही है इससे भी काफ़ी लोग बीमार होते हैं यहाँ पर, और देखो सर बहुत परेशानी है यहाँ पर। कोई प्रशासन व्यवस्था का कोई अलर्ट वगैरह किया गया? अलर्ट तो सर कल भी आए दिखे थे, अलर्ट कर गए भी यहाँ पे इनको ज़्यादा पानी आने की ज़्यादा वो क्षमता है जी। क्या करोगे आप? क्या करना है सर, कहीं से मार तो जाने का कोई वो है नहीं, हम तो यहीं रहना कदर में ही, कहीं ऊपर भी जाने का हमारा कोई साधन नहीं है। मेरा नाम राहुल कुमार, मैं निवासी महाराज नगर का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ गंगा क्षेत्र एवं ये जो सोलानी नदी है इन दोनों का पानी से फसलें नष्ट हो जाती हैं और चारे से परेशानी होती है, और बच्चों को स्कूल में जाने में दिक्कतें, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और हमारे यहाँ इस समय आकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। पानी छोड़ा कितना अनुमान है कितना पानी आता है यहाँ पर? लगभग यहाँ पर घरों तक भी अंदर पानी घुस जाता है। कोई प्रशासन वगैरह लटके गए हैं? प्रशासन का तो इतना जोर नहीं होता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड तो पहले से ही मानना जावे मजलिसपुर को, यही है तो इसलिए सरकार थोड़ा ध्यान दे जो हमारे क्षेत्र में थोड़ा सुधार हो सके। मेरा नाम युधिष्ठिर है जी। कितना पानी आया है गांव में? ऐसे गांव में काफ़ी पानी है जी, यहाँ डंगरों को चारा और नहीं मिल रहा जी, और जी यहाँ से चारों की व्यवस्था होनी चाहिए जी, जो 2013 में बाढ़ आई थी उस इस तरीके से ही पानी आया हुआ है जी, और जी सोलानी नदी में जी और जी बाणगंगा पानी जी। किन किन गाँव में पानी आता है यहाँ पर? ये सिताबपुरी, तोफीर, चंदपुरी, खैरपुर, मजलिसपुर, तोफीर। प्रशासन द्वारा कुछ सहायता वगैरह कुछ ऐसी या कोई अलर्ट वगैरह किया गया हो? यहाँ कोई सहायता नहीं की गई जी।